हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल लेकर आ गई हूँ जो कि साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप साड़ी डाल रहे हो, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो अगर आप नवरात्रि में भी बनाना चाहते हो, फिर कोई भी फेस्टिव है, कोई ओकेजन है जिस पे आप साड़ी डाल रहे हो और आपको अच्छा सा लुक चाहिए, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। साड़ी के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है एंड बीच मांग से बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैनल है मेरा प्रीत तिवारी 2, जिसपे मैं अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, ब्लाउज डिजाइन वगैरह। तो अगर आपको जानना है, सीखना है, तो प्लीज उस चैनल पे जाइए एंड सपोर्ट कीजिए उस चैनल को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इस हेयर स्टाइल के लिए एक डोनट बन चाहिए अगर आपके बाल छोटे हैं तो, क्योंकि मेरे बाल काफी शॉर्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये मिरर में भी दिख रहा है। तो मैं डोनट बनने के लिए ले रही हूँ। अगर आपके बाल भी इस तरीके से छोटे हैं एंड बहुत ज्यादा लेयर में कटे हुए हैं जैसे कि मेरे कटे हुए हैं, तो आपको एक डोनट बन लेना पड़ेगा इस हेयर स्टाइल के लिए। सेंटर से बीच से मांग निकाल ले रही हूँ। ओके, बीच से मांग निकालने के बाद से आपको अपने मांग को बहुत लंबा नहीं निकालना है, यहाँ क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर को ले लेना है। और इस तरीके से ऊपर की तरफ से कॉम कर देना है। ओके, जैसे मैंने किया है एकदम ऐसे ही। और बैक साइड से क्लिप लगा देना है, मैं यहाँ पे पफ नहीं बना रही हूँ, हल्का सा बस आपको आगे की तरफ खींचना है, कैसे करना है वो भी बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने किया है एंड यहां से हल्का सा आपको बस खींच देना है कि क्राउन एरिया पे जो आपके हेयर है वो बहुत फ्लैट ना लगे। फ्लैट लगेगा तो थोड़ा हेयर स्टाइल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, मैसी सा लुक आना चाहिए थोड़ा। तो इस तरीके से बस खींच दिया है मैंने। अब आपको सिंपली जो इस साइड के हेयर है इनको इस तरीके से कॉम करके लेके जाना है फ्लैट लुक में। और जो आपने यहाँ पे क्लिप लगाया था जस्ट उसके पास लेके जाना है और एक और क्लिप लगा देनी है इसके ऊपर। इस तरीके से ओके, ऐसे लेके जाना है फ्रंट से, आपको इस तरीके से लुक देना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है। और क्लिप के ऊपर लेके जाना है हेयर को। और क्लिप लगा देनी है। एक क्लिप और लगा रही हूँ क्योंकि जो फ्रंट के हेयर हैं वो भी काफी ज्यादा कटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको दिख रहा होगा ये निकल जा रहा है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से फ्लैट लुक में पहन के थोड़ा इधर ही लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से मैनेज हो जाए। दूसरी साइड के हेयर के लिए भी एक और क्लिप लेंगे और लगा देंगे। तो अगर आपके बाल भी इसी तरीके से काफी शॉर्ट हैं, निकल जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। या फिर आप किसी को भी जानते हो जिनके इस टाइप के हेयर हैं और उनको इस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए बट नहीं बन पाता है, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद आप चाहो तो अगर आपके आपको बन नहीं बनाना है, कहीं जाना है, आपको ओपन हेयर ज्यादा पसंद है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। बट अगर आपको बन बनाना है, कंफर्टेबल लुक चाहिए, या फिर आप बहू हो, पल्ला लेके जाना है कहीं, तो आप इसके साथ इसके बाद बन बना सकते हो। तो एक तो हेयर स्टाइल इस तरीके से आप करके छोड़ सकते हो और काफी अच्छा और स्टाइलिश लगता है ये। एंड सेकंड में आपको सिंपली इस तरीके से हेयर को उठाना है, कॉम कर लेना है एंड एक रबर बैंड की मदद से अच्छे से रबर बैंड को लगा लेना है। ओके, रबर बैंड लगाने के बाद से इतने छोटे बालों पे बन बनाना, वो भी अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से, पॉसिबल नहीं है तो आप एक डोनट बन ले लेना, देन इसको लगा के यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेना स्कैल्प के हेयर के साथ।
ओके। अब आपको इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड एक और रबड़ बैंड चाहिए आपको इसके लिए, तो पतला रबड़ बैंड मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज अगर आपके बाल थोड़े से लंबे हैं तो मोटा वाला रबड़ बैंड भी चलेगा। अब इसको इस तरीके से सेंटर से इस तरीके से हेयर को डिवाइड करना है, देन रबड़ बैंड को लगा देना है। ओके, रबड़ बैंड लगाने के बाद से अपने जो आपने जो हेयर है इसको इस तरीके से फैलाना है जैसे कि आपका जो बन डोनट बन है वो अच्छे से कवर हो जाए, मतलब हाइड हो जाए अच्छे से। तो मेरा डोनट बन अच्छे से हाइड हो चुका है, अब इस साइड से भी इस तरीके से बालों को फैला लूंगी और डोनट बन को हाइड करने के लिए एक यू पिन लेंगे और उसको अच्छे से हाइड कर लेंगे। ओके, अब जो ये साइड के हेयर बचे हैं इनको सिंपली ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से आपस में। ट्विस्ट करके यू पिन की मदद से मैनेज कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ऑलमोस्ट मेरा हेयर स्टाइल जो है वो डन होने वाला है। इसके बाद अगर आप गजरा वगैरह यूज करना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि कैसे गजरे को अटैच करना है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लैट लुक नहीं चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लैट लुक चाहिए तो उसके लिए आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके का हेयर स्टाइल बन जाएगा एंड काफी अच्छा लगता है ये। तो अगर बहुत ज्यादा फ्लैट लुक चाहिए आपको फ्रंट से तो आप सेटिंग स्प्रे यूज कर लीजिएगा। सेटिंग स्प्रे कैसे लेना है, क्या लेना है, सब कुछ बताया हुआ है, वैसे मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है सेटिंग स्प्रे। ओके, इसको आपको अपने पतले दांतों वाली फॉर्म पे लेना है एंड अप्लाई कर देना है बालों पे। तो मुझे अभी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ठीक लग रहा है, बट आपको अगर लगे कि बेबी हेयर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो कॉम्ब पे सिंपली आप कॉम्ब पे इस तरीके से सेटिंग स्प्रे को डालोगे एंड कॉम्ब कर दोगे, आपके हेयर अच्छे से चिपक जाएंगे एंड ये लुक है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का। तो आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज देखने के लिए। इसके बाद आप रेड कलर का सिंदूर पूरा यहाँ तक लगा लो एंड आपका जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और जो भी सॉरी साड़ी डालते हैं उनको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जिनके बाल पतले हल्के हैं और बहुत ज्यादा छोटे हैं लेयर्स में कटे हैं तो वो ये वीडियो देख के अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।